आज मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूँ Realme 11 Pro 5G, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बहुत सारे हिडन फीचर्स बताए थे जिसके अंदर आपने बहुत ही अच्छा प्यार दिखाया और आपने कमेंट करके बोला कि भाई इसका पार्ट टू भी बनाओ, इसके और भी हिडन फीचर्स जानने हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको फिर से इसके और भी हिडन फीचर्स बताए जाए, क्योंकि आप सभी भाई कमेंट करके बोल रहे थे कि भाई इस वीडियो से हमारे पैसे वसूल हो गए हैं। तो मैंने सोचा कि और भी आपको काफी सारे हिडन फीचर्स बताते हैं। तो अगर कोई आपको सेटिंग समझ में ना आया, फिर आप जानना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट वन मिल जाएगा, उसके अंदर भी मैंने बहुत सारे हिडन फीचर्स बताए हैं, तो वो भी वीडियो आप जाकर देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको यही बता देता हूँ, सबसे ज्यादा इसी के बारे में कमेंट आ रहे थे कि भाई यहाँ पे इसके अंदर बहुत सारे एड्स मिलते हैं, यहाँ पे कुछ भी सर्च करते हैं तो कुछ भी आ आता है यहाँ पे, देखिए। तो यहाँ पर इनको कैसे हटाया जाए, तो यहाँ पे मैनेज के अंदर जाना है, ऐप ड्रॉअर सेटिंग्स के अंदर जाना है, और दोस्तों इन सभी को यहाँ पे बंद कर देना, तीनों को यहाँ पे बंद कर दीजिए। अब आपके यहाँ पे यूआई जो है एकदम क्लीन हो जाएगा और एकदम यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि यार ऐसे लगता है कि हमारा मोबाइल है ही नहीं किसी दूसरे का, बार बार कोई भी एप्स वगैरह यहाँ पे आ जाते हैं। तो उन तीनों से यहाँ पे ऑप्शन को बंद कर देना है और फिर आपके यहाँ पे कोई भी फालतू की एप्स वगैरह नहीं आएगा। तो चलिए मैं आपको और भी मजेदार चीजें बताता हूँ। जैसे कि हम चलते हैं सेटिंग्स के अंदर, जैसे सेटिंग्स के अंदर जाएंगे यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स के अंदर जाना है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा गेस्चर एंड मोशन। अब यहाँ पे स्क्रीन ऑफ गेस्चर्स के ऊपर जाना है, इसको ऑन कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे डबल टैप टू टर्न वगैरह तो मैंने पहले वीडियो के अंदर बता दिया है, इसके अंदर जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ, ठीक है, वोट इट कर देना है। अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, मैं जैसे यहाँ पे और यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखिए कैमरा ओपन हो चुका है, तो यहाँ पर आप अपनी मन पसंद से कोई भी ऐप यहाँ पे ओपन करवा सकते हो। जैसे कि वी यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो आपकी टॉर्च ऑन हो जाएगी, या फिर म्यूजिक को यहाँ पे ऑन करोगे तो आप म्यूजिक को आगे पीछे कर सकते हो, यहाँ पे जैसे आपकी स्क्रीन ऑफ रहेगी ऐसे आगे पीछे करके आप म्यूजिक को भी बदल सकते हो। और यहाँ पे देखिए जैसे ऐसे ड्रॉ करोगे कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा, अपनी मर्जी से इन चीजों को कस्टमाइज कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे मोबाइल को काफी ज्यादा आसान बना सकते हो चलाने के अंदर, एक बार आपका हाथ सेट हो जाएगा फिर दोस्तों आपको मोबाइल को चलाने में काफी ज्यादा मजा आएगा, तो आप इनको जरूर ऑन कर सकते हो। चलिए मैं आपको यहाँ पे गूगल डायलर से रिलेटेड बता देता हूँ। जैसे कि आप चाहते हो कि यार मुझे ये गूगल डायलर पसंद नहीं, यानी कि कॉल रिकॉर्डिंग अगले वाले के मतलब जब भी करते हैं तो अगले वाले को पता चल जाता है, तो आप प्ले स्टोर के अंदर जाकर ओ डायलर डाउनलोड कर सकते हो। या फिर दोस्तों अगर आपके पास ये, तो इसके अंदर मैं कुछ सेटिंग्स बताता हूँ। जैसे कि थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है, सेटिंग्स के अंदर जाना है, कॉल आईडी में यहाँ पे स्पैम के अंदर फिल्टर को यहाँ पे ऑन कर दीजिए। अब दोस्तों आपके पास जो फालतू की कॉल्स वगैरह आएगी ना वो नहीं आएंगी, फिल्टर होकर आपके पास कॉल आएगी। और जैसे यहाँ पे आप बैक जाओगे तो यहाँ पे थोड़ा नीचे जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कॉलर आईडी अनाउंसमेंट, इसको यहाँ पे ऑन कर दीजिए, ऑलवेज कर दीजिए। अब आपके मतलब किसी भी नंबर से आपका नंबर जो सेव है किसी का नाम, वो नाम आपके यहाँ पे बोलने लग जाएगा जब भी आपके पास कोई कॉल आएगी, या फिर नंबर से आएगा तो नंबर आपके जोर जोर से बोलने लग जाएगी कि ये नंबर है, तो आपके मतलब मोबाइल दूर भी पड़ा रहेगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी कॉल आ रही है। और यहाँ पे फ्लिप टू साइलेंस का भी ऑप्शन मिल जाता है, इसको ऑन करने से दोस्तों आपके पास कोई भी कॉल आ रही है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, मोबाइल को इसे उल्टा कर देना, यानी कि आप ऑफिस वगैरह के अंदर बैठे रहते हो तो आपको लगता है कि यार डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो आपको उल्टा कर देना, आपकी जो कॉल है वो म्यूट हो जाएगी, कॉल कटेगी नहीं सिर्फ यहाँ पे म्यूट हो जाएगी, तो इसको भी आप ऑन कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको एक चीज और बताता हूँ जिससे भी आपका मोबाइल काफी ज्यादा आसान हो जाएगा चलाने के अंदर। जैसे कि हम चलते हैं सेटिंग्स के अंदर, ठीक है, आपको फिर से वहीं पे जाना है एडिशनल सेटिंग्स के अंदर, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा असिस्टिव बोल, ये देखिए इसके ऊपर क्लिक करना है, इसको ऑन कर देना है, अलाउ कर देना। अब यहाँ पे देखोगे आपके एक पास एक बोल आ चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जैसे इसके ऊपर टैप करूंगा मैं, बैक चला जाऊंगा, ये देखिए, तो यहाँ पर इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे कि आप चाहते हो मैं टैप करूँ तो बैक नहीं, मुझे कुछ अलग करना है, तो यहाँ पे टैप के ऊपर जाकर इसको चेंज कर सकते हो। जैसे कि नोटिफिकेशन ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पे लॉक स्क्रीन कर सकते हो, या फिर वन हैंडेड मोड स्क्रीनशॉट, जैसे कि मैं स्क्रीनशॉट कर देता हूँ, ठीक है। अब इसके ऊपर जैसे ही टैप करूंगा स्क्रीनशॉट आ जाएगा, देखिए स्क्रीनशॉट आ चुका है, तो अपनी मर्जी से इसको कस्टमाइज कर सकते हो। डबल टैप करूंगा तो रिसेंट एप्स आ जाएंगे, देखिए, तो आप चाहते हो मुझे इसको अलग करना है तो इनको भी आप चेंज कर सकते हो, जो भी आप यहाँ पे डबल टैप के ऊपर रखना चाहो अपनी मन मर्जी से रख सकते हो। और यहाँ पे टच एंड होल्ड, यानी कि मैं इसको ऊपर ऐसे प्रेस करके रखूंगा होम स्क्रीन के ऊपर आ जाऊंगा, तो आप चाहते हो नहीं यार मुझे थोड़ा अलग करना है तो आप लॉक स्क्रीन या फिर नोटिफिकेशन ड्रॉर कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे प्रेस करके रखूंगा नोटिफिकेशन ड्रॉर आ जाएगा। तो ऐसे ना दोस्तों काफी आसान हो जाएगा आपका मोबाइल चलाना, तो यहाँ पे अपनी मर्जी से इसको कस्टमाइज कर लीजिए। और इसको कितना दिखाना चाहते हो, जैसे कि मैं पूरा दिखाना चाहता हूँ या फिर थोड़ा बहुत दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए एकदम कुछ भी स्क्रीन के ऊपर पता ही नहीं चलेगा, पर हमें पता है कि यहाँ पे ये शो हो रहा है। तो और ये जैसे कि फुल स्क्रीन रहेगी आपकी, तो उसके ऊपर हाइड भी हो जाएगा, देखिए हाइड इन फुल स्क्रीन, यानी कि आपकी फुल स्क्रीन रहेगी, कहीं भी आप मूवीज वगैरह देख रहे हो तो ऐसा नहीं कि मूवीज के अंदर बार बार इशू होता रहेगा, ये ऑटोमेटिकली हाइड भी हो जाएगा। तो ये आपके मोबाइल को ना काफी ज्यादा आसान बना देगा, तो इसको भी एक बार आप जरूर ट्राई कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको एक और बहुत ही कमाल की चीज बताता हूँ। जैसे कि आपके बच्चे आपसे मोबाइल मांगते हैं कि मुझे YouTube पर वीडियोस वगैरह देखनी है, फिर वो आपको डर है कि यार उनको दूसरी चीजें ना छेड़ दे, क्योंकि काफी बार क्या होता है हमारे बच्चे वो कुछ भी डिलीट वगैरह कर देते हैं, उनको इतना पता नहीं होता है। तो इसके लिए आपके मोबाइल ने बहुत ही अच्छा सिस्टम दिया। जैसे कि हम चलते हैं सेटिंग्स के अंदर और यहाँ पे स्पेशल फीचर के अंदर जाना है, ठीक है।
अब यहाँ पे जैसे स्पेशल फीचर्स के अंदर आएंगे, यहाँ पे देखिए किड स्पेस का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर आपको आना है। जब भी आपके अपने बच्चों को, तो यहाँ पे गेट स्टार्टेड के ऊपर करना है। अब यहाँ पे आप मतलब किस चीज के लिए दे रहे हैं अपने बच्चों को, जैसे कि मैं यूट्यूब के लिए दे रहा हूँ, वो यूट्यूब पर वीडियो देखते रहेंगे। अब मैं नेक्स्ट कर दूंगा, ठीक है। अब आप मतलब बच्चों के लिए कितने मिनट के लिए देना चाहते हो, तो 30 मिनट, 15 मिनट, जैसे कि मैं 15 मिनट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 30 मिनट रख ले, यहाँ पे 1 घंटा, कितना भी अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हो, जितना भी यहाँ पे रखना चाहो। तो 30 मिनट के लिए नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे देखिए एम्बिशन लाइट रिमाइंडर, मतलब जब भी आपका ये हो जाएगा टाइम पूरा, तो यहाँ पे लाइट वगैरह आ जाएगी। अब यहाँ पे आई प्रोटेक्शन को भी ऑन कर सकते हो, ताकि बच्चों की आंखें खराब ना हो, तो ये भी आपको कर लेना है। अब मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ और इसको अलाउ कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एकदम ये किड स्पेस हो चुका है, मतलब बच्चों की आंखें भी ज्यादा खराब नहीं होंगी और अब वो सिर्फ यूट्यूब ही देखता रहेगा, देखिए, और कोई दूसरा ऐप नहीं देखेगा। स्क्रीन भी यहाँ पे चेंज हो चुकी है, ताकि बच्चों की आंखें खराब ना हो, और यहाँ पे कोई भी दूसरा ऐप उसके पास नहीं रहेगा, ताकि वो कुछ भी डिलीट ना कर सके। तो अपनी मर्जी से जो भी एप्स यहाँ पे आप देना चाहोगे वो एप्स दे सकते हो, वो बच्चा ना वो सिर्फ उन्हीं एप्स को चलाएगा। अब आप बाहर जाना चाहोगे तो यहाँ पे एग्जिट कर दीजिए, वापस आप बाहर चले जाओगे, यहाँ पे फिंगर लगा लीजिए, ताकि बच्चा यहाँ पे बाहर ना आ सके, क्योंकि आप लॉक खोलोगे तभी वो बाहर आ पाएगा। तो दोस्तों ये भी बहुत ही कमाल का फीचर है, अगर आपके बच्चों को आप मतलब मोबाइल वगैरह ज्यादा देते हो। चलिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, जैसे कि हम ऐसे करते हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आता है, यानी कि कोई भी एप्स वगैरह सर्च कर सकते हैं। पर क्या हम ये नहीं चाहते कि हम ऐसे नीचे करें, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन बार आ जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे ऊपर से करते हैं तब नोटिफिकेशन बार आता है, तो क्यों ना हम ऐसे नीचे से करेंगे तो भी नोटिफिकेशन बार आ जाएगा। इसके लिए हम स्क्रीन की वजह से टैप करके रखना है, मोर के ऊपर जाना है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्वाइप डाउन है, इसको यहाँ पे नोटिफिकेशन ड्रॉर कर देता हूँ। अब देखिए आप यहाँ से करोगे तो भी नोटिफिकेशन बार आ जाएगा, यहाँ से करोगे तो भी नोटिफिकेशन बार आ जाएगा, आपको बार बार इतने ऊपर से ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यार वीडियो अच्छी लग रही है ना, तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए जिसके पास Realme 11 Pro है। तो चलिए मैं आपको कुछ अब कैमरा के फीचर्स भी बता देता हूँ कि यार कैमरा के अंदर क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, कैसे आप अच्छी खासी फोटोज वगैरह क्लिक कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले फोटोज के अंदर, ठीक है, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर हम जूम कितना कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम 20x तक जूम कर सकते हैं, देख सकते हो आप। अब यहाँ पे अगर आप नॉर्मल फोटोज वगैरह क्लिक करते हो, तो मैं आपको जैसे कि यहाँ पे आप रेशियो चेंज कर सकते हो, जैसे कि फुल कर सकते हो, देखिए फुल के अंदर कर लीजिए। और यहाँ पे अलग अलग आपको मतलब जिस चीज की जरूरत होती है, जैसे कि यूट्यूब के थंबनेल वगैरह के लिए चाहिए, तो यहाँ पे 16:9 के अंदर कर लीजिए। या फिर मैं आपको और भी चीजें दिखाऊं, तो यहाँ पे AI का भी ऑप्शन मिलता है, इसको भी आप ऑन रख सकते हो। उससे ना आपकी यहाँ पे जब भी स्किन वगैरह है वो काफी अच्छी आएगी, और यहाँ पर आपको काफी सारे फिल्टर्स मिल जाते हैं, ठीक है। अलग अलग यहाँ पे फिल्टर्स के अंदर आप फोटोज क्लिक कर सकते हो, जो भी फिल्टर आपको पसंद आता है। और रीटच को यहाँ पे ज्यादा करोगे तो दोस्तों आप मतलब आज ज्यादा गोरा चिट्टा दिखना चाहते हो, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, काफी ज्यादा गोरे चिट्टे दिखने लग जाओगे। और यहाँ पे दिखाऊं तो ये देखिए, और भी यहाँ पे HDR को ऑन रखिए, HDR के अंदर दोस्तों आपकी फोटो ना काफी HDR हो जाती है, तो इसको HDR को ऑन रखना चाहिए यहाँ पे जब भी आप फोटो क्लिक करो। और यहाँ पे मिल जाता है पोर्ट्रेट का ऑप्शन। अब दोस्तों पोर्ट्रेट के अंदर क्या होता है, दोस्तों पीछे आपने DSLR वगैरह के कैमरा के अंदर देखेंगे पीछे सब कुछ ब्लर हो जाता है, तो वो होता है पोर्ट्रेट के अंदर। अब यहाँ पे पोर्ट्रेट यानी कि ब्लर कितना कम ज्यादा करना है, तो आप इधर लेके जाओगे तो यहाँ पे एकदम मतलब ब्लर होगा नहीं, जितना यहाँ पे कम करोगे उतना ज्यादा अच्छा खासा ब्लर होगा। तो यहाँ पे 2.2 के अंदर रख लीजिए, इसके अंदर काफी अच्छा खासा ब्लर हो जाता है और काफी अच्छी फोटो आ जाती है। और इसके अंदर भी आपको फिल्टर्स वगैरह मिल जाते हैं अच्छे खासे, जो भी फिल्टर्स आपको पसंद है वो यहाँ पे अलग अलग, इसके अंदर तो बहुत ही अच्छे अच्छे फिल्टर्स मिलते हैं। तो इन फिल्टर्स को अपनी मर्जी से चूज करके आप अच्छी खासी फोटोज क्लिक कर सकते हो। और दोस्तों एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, हम क्या करते हैं जब भी नाइट मोड के अंदर फोटो क्लिक करते हैं ना, तो हम यहाँ पे नॉर्मल कैमरा से फोटो क्लिक करते हैं तो इतनी अच्छी आती नहीं है। तो आपको नाइट मोड का अलग से ऑप्शन मिलता है, जब भी आप नाइट में फोटो क्लिक करो तो यहाँ पे नाइट मोड के अंदर आकर करना दोस्तों। इससे ना आपके पीछे अंधेरा वगैरह भी रहेगा तो काफी ज्यादा उजाला हो जाएगा। यहाँ पे प्रो का भी ऑप्शन मिलता है, इसको अगर ऑन कर देते हो तो भाई साहब काफी नेक्स्ट लेवल की आपकी फोटो आएगी जब भी आप नाइट के अंदर फोटो क्लिक करते हो। और यहाँ पे स्ट्रीट का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि पीछे आपके लाइट्स वगैरह है, स्ट्रीट के अंदर आप फोटो क्लिक कर रहे हो तो इसके अंदर आपको फोटो क्लिक करनी चाहिए। और वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करूं तो यहाँ पर दोस्तों 4K का ऑप्शन मिल जाता है, 1080 का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो इसके अंदर दोस्तों आपको अच्छी खासी वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, अच्छी डिटेल चाहिए, तो आप 4K के अंदर वीडियो रिकॉर्ड कीजिए। इससे आपके ना यहाँ पे फ्रेम रेट्स काफी अच्छी आएगी, और आप ब्लर के अंदर भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, पर ब्लर के अंदर यानी कि पीछे सब कुछ ब्लर हो और फिर आपकी वीडियो भाई साहब काफी अच्छी आती है, पर इसके अंदर आप 720 के अंदर ही कर पाओगे। तो इसके अंदर भी आप ब्लर को कम ज्यादा कर सकते हो वीडियो के अंदर भी, कि ब्लर कितना करना है। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन दोस्तों, यहाँ पे 1080 के अंदर आप कर सकते हो, यानी कि आपका फोन थोड़ा हिल रहा है ज्यादा, फिर भी दोस्तों वीडियो के अंदर पता नहीं चलेगा। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर आपको पता होगा अच्छा कैमरा मिलता है, तो यहाँ पे आपका मतलब इसको ऑन कर लोगे स्टेबलाइजेशन को, तो आपका अगर मोबाइल हिलेगा तो भी आपको यहाँ पे मतलब वीडियो के अंदर पता नहीं चलेगा। तो यार इसको जरूर ऑन कर लीजिए, और यहाँ पे आप फ्रेम रेट चेंज कर सकते हो, 30 FPS कर सकते हो, 60 FPS अपनी मर्जी से कर सकते हो। तो वीडियो क्वालिटी के अंदर दोस्तों यहाँ पे काफी सारे आपको फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे मैं आपको लेके जाऊँ, ये देखिए 100 MP का भी कैमरा मिल जाता है,
तो अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये 100 मेगापिक्सल का यहाँ पे है तो फिर यहाँ से कौन सी फोटो आती है। तो दोस्तों आज मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ, जैसे कि मैं एक फोटो क्लिक कर रखा है आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब जैसे कि ये नॉर्मल कैमरा से मैं फोटो क्लिक करता हूँ, ये देखिए, अब एक मैं फोटो क्लिक करता हूँ 100 मेगापिक्सल से, ये देखिए, अब मैंने दोनों फोटो क्लिक किए, ये 100 मेगापिक्सल से। इसकी डिटेल्स आपको दिखाता हूँ कि आपकी मतलब ये देखिए 19 MB की फोटो आई है जो हमने 100 मेगापिक्सल से क्लिक की है। तो इसके अंदर भाई साहब आपको अच्छी खासी डिटेल्स वगैरह देखने को मिल जाती है, देखिए आपको एक 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 बाल का भी आपको पता चल जाता है। और ये रही जो हमने यहाँ पे नॉर्मल कैमरा से क्लिक की है, इसकी डिटेल आप देखोगे मतलब 1.9 MB यानी कि पूरी 2 MB की नहीं है ये, तो यहाँ पे कहाँ 19 MB और कहाँ 2 MB की। तो ये दोस्तों आप फोटो ये अंदाजा हो जाएगा, अगर आपको अच्छी खासी डिटेल चाहिए ना तो आपको 100 मेगापिक्सल के अंदर ही फोटोज क्लिक करनी चाहिए। तो दोस्तों ये हमारे यहाँ पे आप जरूर ट्राई कर सकते हो। और मोर के अंदर जैसे ही जाओगे यहाँ पर भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि प्रो का, पेनो का, फिल्म का, और यहाँ पे स्लो मोशन का भी ऑप्शन मिल जाएगा अगर आप इंस्टाग्राम वगैरह पे रील्स वगैरह बनाना चाहो, टाइम लेप्स का, लॉन्ग एक्सपोज और ड्यूल व्यू वीडियो। दोस्तों ये भी बहुत ही कमाल की चीज है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे पिछला कैमरा भी आपके वर्क कर रहा है और सामने यहाँ पे फ्रंट कैमरा भी साथ में वर्क कर रहा है। तो दोस्तों आप कुछ इस तरह से दोनों कैमरों को एक साथ में भी यूज कर सकते हो जब भी आपको कभी जरूरत पड़े। और यहाँ पे टेक्स्ट स्कैनर का भी ऑप्शन मिल जाता है। दोस्तों ये भी बहुत ही कमाल की चीज है, ये बहुत काम आती है। जैसे कि ये क्या काम आती है मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मुझे यहाँ पे एक फोटो क्लिक करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों टेक्स्ट स्कैनर का मतलब ये कि जो यहाँ पे टेक्स्ट लिखे हुए हैं वही फोटो आएगी, और भाई साहब अगर उसके अंदर साफ नहीं भी लिखा हुआ रहेगा ना तो भी आपकी अच्छी खासी डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इस फोटो के अंदर भाई साहब अच्छी खासी आप मतलब जूम वगैरह करोगे तो आपको स्कैन मतलब कोई डॉक्यूमेंट वगैरह की फोटो क्लिक करनी हो ना तो यहाँ से आप क्लिक कीजिए, काफी अच्छी खासी फोटो आ जाएगी। और यहाँ पे स्टेरी मोड और यहाँ पे ग्रुप पोर्ट्रेट का भी ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि क्या होता है कि पोर्ट्रेट के अंदर जब हम फोटो क्लिक करते हैं यानी कि पीछे सब कुछ ब्लर वगैरह, तो किसी मतलब हम ज्यादा ग्रुप के अंदर रहते हैं तो कोई ब्लर हो जाता है, किसी की अच्छी फोटो नहीं आती है, तो ग्रुप पोर्ट्रेट के अंदर जब आप फोटो क्लिक करोगे ना पीछे सब कुछ ब्लर हो जाएगा और जो हम मतलब कितने भी दोस्त रहेंगे वो ब्लर नहीं होंगे। तो ग्रुप पोर्ट्रेट के अंदर फोटो क्लिक कीजिए जब भी आप यहाँ पे ज्यादा मतलब बंदे हो, और यहाँ पे टेल शिफ्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो दोस्तों ये थे कुछ कैमरा के फीचर्स, तो ये कैमरा के फीचर्स आपको कैसे लगे वो भी कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे 100 मोड का ऑप्शन मिल जाता है, एडिशनल सेटिंग्स के अंदर जाना है, यहाँ पे 100 मोड यानी कि दोस्तों आप कभी बाइक वगैरह पे या फिर कभी भी आपको मतलब एक हाथ से मोबाइल चलाना होता है तो यहाँ पे आपको मतलब पहले तो आपको गेस्चर्स के अंदर करना पड़ेगा, यानी कि ये गेस्चर्स कर लीजिए, यानी कि पीछे नीचे के बटन्स वगैरह है ये सब कुछ हाइड हो जाएंगे। अब आप यहाँ पे उसके 100 मोड के अंदर ऑन कर सकते हो, देखिए आप जब भी मतलब एक ऐप चलाना चाहोगे जैसे ऊपर से यहाँ पे आपको बता रहा है कि ऐसे करोगे फिर आपका मतलब ये सब कुछ छोटा हो जाएगा और आप एक हाथ से आसानी से चला पाओगे, तो कभी भी आपको जरूरत पड़े तो 100 मोड को ऑन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे देखिए हॉट एप्स एंड हॉट गेम्स ये मुझे इतने अच्छे नहीं लग रहे तो इनको डिलीट कैसे करें, क्योंकि यहाँ पे तो डिलीट का कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसके लिए हमें चलना होगा सेटिंग्स के अंदर, ये देखिए सेटिंग्स के अंदर जाना है, ये हॉट एप्स एंड हॉट गेम्स को यहाँ पे हटा दीजिए। अब मैं दिखाता हूँ, ये देखिए हाइड हो चुके हैं, ऐसे जा चुके हैं, तो इनको आप जरूर हटा सकते हैं क्योंकि यार ये मोबाइल में इतने अच्छे नहीं लगे। तो चलिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, जैसे कि हम आपको पता होगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग अपने मोबाइल के अंदर कर सकते हैं, पर दोस्तों स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए स्क्रीन सिस्टम साउंड, यहाँ पे जब भी हम रिकॉर्डिंग करेंगे तो जो अंदर की रिकॉर्डिंग होती है वो साउंड हो यहाँ पे हो जाएगी, पर आप माइक वगैरह लगाते हो तो यहाँ पे जब भी मतलब माइक वगैरह लगाओ तो इसको ऑन करना ताकि आपके माइक की आवाज अच्छी तरह से यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाए। और डेफिनेशन के अंदर जाकर दोस्तों हाई क्वालिटी के अंदर कर सकते हो 1080 के अंदर, क्योंकि अभी आपके यहाँ पे 720 के अंदर ही रहती है, तो यहाँ पे करोगे एकदम मतलब अच्छी क्वालिटी के अंदर आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाएगी। और यहाँ पे जैसे नीचे जाओगे फ्रेम रेट को भी आप कस्टमाइज कर सकते हो, यहाँ पे 30 FPS करना चाहो या फिर अपनी मर्जी से डायनेमिक यानी ऑटोमेटिक हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए फ्रंट कैमरा रिकॉर्ड, फ्रंट कैमरा वीडियो, इसको भी ऑन कर दीजिए, मतलब जब भी आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते रहोगे तो साथ में फ्रंट कैमरा को भी यूज कर सकते हो, क्योंकि बहुत सी बार होता है ना कि हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है और हम चाहते हैं कि हम खुद भी दिखे, तो साथ में फ्रंट कैमरा को भी ऑन रख सकते हो। तो चलिए मैं आपको एक चीज और भी बहुत ही कमाल की चीज दिखाता हूँ, जैसे कि दोस्तों आप चाहते हो कि यार मेरे पास इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, मोबाइल डाटा को भी इसके अंदर सिम कार्ड है नहीं तो आप मोबाइल डाटा को भी ऑन कर लीजिए और साथ में ना वाईफाई को भी ऑन कर लीजिए, और साथ में दोस्तों आप अपने दोस्तों को भी नेट चल देना चाहोगे तो हॉटस्पॉट को भी साथ में ऑन कर लीजिए। देखिए वाईफाई वगैरह कुछ भी बंद नहीं होगा, एक साथ में आप तीन तीन चीजें चला सकते हो। तो दोस्तों आपका मतलब दूसरे का वाईफाई है तो वो भी स्पीड आपकी तेज चलेगी और आपका खुद का जो डाटा है वो भी दोनों को मिलाकर आपका इंटरनेट चलेगा, तो काफी ज्यादा फास्ट आपका इंटरनेट चलने लग जाएगा। तो चलिए मैं आपको कुछ साउंड से रिलेटेड बताता हूँ, जैसे कि हम चलते हैं सेटिंग्स के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन। अब यहाँ पे थोड़ा नीचे जाएंगे ना तो यहाँ पे रिंगटोन के अंदर जा सकते हो, यहाँ पे अच्छी अच्छी रिंगटोन्स तो आपको पता मिल ही जाएगी, पर यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन, यहाँ पे साउंड के अंदर जाओगे। अब यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत ही अच्छी चीज, जैसे कि कोई भी नोटिफिकेशन आता है ना तो यहाँ पे देखिए ये वाला कर लीजिए, ये देखिए पेंसिल, आप जैसे मतलब कुछ भी करते हो या मतलब हम ऐसे दोस्तों आपको मतलब
शायद आवाज नहीं आ रही है, तो आप मतलब अपने मोबाइल के अंदर जाकर जरूर देखिए, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपके, जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा तो काफी यूनिक चीज आपको देखने को मिल जाती है। और दोस्तों यहाँ से जैसे ही बैक जाओगे यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस का भी ऑप्शन मिल जाएगा, मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था। यहाँ पे देखिए स्मार्ट मूवी, यानी कि जब भी मूवीज देखते हो या फिर कोई भी गेमिंग करते हो, म्यूजिक सुनते हो, तो इनको ऑन करोगे ना तो भाई साहब नेक्स्ट लेवल की आपके कानों के पास आवाज आएगी, तो इनको आप जरूर ट्राई कर सकते हो। ये मैंने पिछली वीडियो के अंदर अच्छी तरह डिटेल में बताया, तो पार्ट वन आप जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको कॉमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। और यहाँ पे हैप्टिक साउंड का भी ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि आप जब भी फिंगर का लॉक वगैरह खोलोगे तो यहाँ पे देखिए मैं दिखाता हूँ, ये देखिए काफी अच्छी आवाज आती है, शायद आपको सुनाई नहीं दे रही है, आपको मैं एक बार ट्राई करता हूँ सुनाने की, ये देखिए। तो ये अपने मोबाइल के अंदर यहाँ पे टच साउंड की कर सकते हो, जैसे कि आप कुछ भी बंद चालू करोगे तो आपके यहाँ पे साउंड आएगी, तो इनको आप कस्टमाइज कर सकते हो, लॉक स्क्रीन साउंड डायल, यानी कि जब भी हम मोबाइल को बंद चालू करते हैं तो साउंड आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, वो अपनी मर्जी से आप इसको अच्छी तरह से कस्टमाइज कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने गैलरी को ओपन किया, ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, रेसेंस एप्स पे जाना है, थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है, इसको फ्लोटिंग विंडो के अंदर कर देना है, ये देखिए फ्लोटिंग विंडो के अंदर हो चुका है। अब यहाँ पे जैसे कि आप दूसरा ऐप चलाना चाहोगे, ठीक है, चला सकते हो, और यहाँ पे इसको आप मतलब रखना चाहो रख सकते हो, देखिए इसको थोड़ा बड़ा करना चाहो बड़ा भी कर सकते हो, देखिए, और यहाँ पे इसको मैं इधर उधर कहीं भी लेके जा सकता हूँ, ये देखिए आप जितना इसको रखना चाहोगे रख सकते हो, पूरा बड़ा करना चाहो तो पूरा बड़ा भी कर सकते हो, तो इसको जरूर दोस्तों आप कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आप फ्लोटिंग विंडो के अंदर कोई भी एप्स को यहाँ पे छोटा सा रखना चाहो तो रख सकते हो, क्योंकि आप कोई जरूरी काम कर रहे हो तो आपको बीच में कुछ भी करना है तो यहाँ पे रख सकते हो। तो चलिए मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ जिनसे आपका मोबाइल ना काफी ज्यादा अच्छा दिखने के अंदर हो जाएगा। जैसे कि हम चलते हैं सेटिंग्स के अंदर, वॉलपेपर एंड स्टाइल्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाएगा, अलग अलग आप यहाँ पे चीजें कर सकते हो, ये मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर अच्छी पूरी डिटेल में बताया है, तो आप वो जाकर देख सकते हो। जैसे कि आइकन्स को बड़े छोटे कर सकते हो, कलर्स यहाँ पे जैसे कि आपके ये जो ब्लू कलर है इसको आप चेंज कर सकते हो अपनी मर्जी से, और यहाँ पे जो इनके लोगो है ना ये जैसे राउंडेड शेप के अंदर, आप इनको भी यहाँ पे क्विक सेटिंग्स के अंदर जाकर यहाँ पे चेंज वगैरह कर सकते हो। और यहाँ पे फिंगरप्रिंट एनिमेशन ये वाला है तो मैं ये वाला कर लेता हूँ, ये देखिए अब काफी अच्छा हो जाएगा, ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, जब भी हम फिंगर का अनलॉक खोलेंगे कुछ इस तरह से हो जाएगा, तो यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। और एज लाइटिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि जब भी आपके पास कोई नोटिफिकेशन वगैरह आएगा तो कुछ इस तरह की लाइट वगैरह शो होने लग जाएगी। अगर आपको चाहिए कि इनको मैं अच्छी तरह डिटेल में चाहिए तो आप वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके पार्ट वन देख सकते हो। तो दोस्तों वीडियो काफी लंबी हो चुकी है इसलिए मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा। अगर आपका कोई डाउट है या फिर आपको लगता है कि आपने ये हिडन फीचर नहीं बताया तो वो मैंने पार्ट वन के अंदर बताया, उसके अंदर तो बहुत अच्छी डिटेल्स और उसके अंदर तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल के फीचर्स बताए हैं, तो वो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हो। तो यार दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो ना तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही मजेदार वीडियोस हमारे चैनल पर हर दिन लाते रहते हैं। तो मिलता हूं मैं आपसे किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।